जवान जी वालेकुम सलाम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम, और जो सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम सलाम। देखो दोस्तों भाइयों, मैं ये एक लाइव मूवी इसलिए बना रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन से एक पोस्ट गर्दिश कर रही है फेसबुक के ऊपर दुबई के हवाले से, चैलेंज की मुझे ना, बाजी का चैलेंज। तो आप सब दोस्त भाइयों से एक अपील है जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे पसंद करते हैं, कि कोई भी पोस्ट के ऊपर कोई भी बंदा गलत कमेंट्स मत करे, ठीक है ना। अगर हम इस शो को अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे तो वो हमें उसमें अपने ऊपर पैशन बहुत रखना पड़ेगा, बर्दाश्त का। जब तक हम किसी भी बात को बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक हम लोग कभी भी ठीक ही नहीं हो सकते, ठीक है। मेरे जो प्यार करने वाले, मेरे से जो मोहब्बत करने वाले हैं, ठीक है, देखिए कोई भी है ना, हमें अपने आइडियल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए कि आप में कितनी बर्दाश्त थी, ठीक है, कितना आप ने मोहब्बत और अमन के साथ लोगों को अच्छाई के रास्ते की तरफ लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुसलमान हैं। तो आप लोग इस बात का खसूसी ख्याल रखा करें कि अगर किसी भी बंदे ने किसी को भी बाजी की आवाज़ दी है या बाजी लगाने के लिए कहा है, तो पहली तो बात है यार, उसने कोई गाली तो नहीं बकी, तो बुरा भला तो नहीं कहा, शौक की बात की है तो शौक का जवाब मस्बत तरीके से दिया जाता है, ना कि गाली गलौज पे आ जाए। जो बंदे इस तरीके से पोस्ट लगा के और बीच में किसी की भी रिकॉर्डिंग लगा के लगा रहे हैं, ठीक है, पहले तो बात मैं ये कहूँगा, मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे दे, ठीक है। किसी पे भी कीचड़ उछालने से कोई भी बड़ा नहीं हो जाता, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली होती है, कोई इंसान देने वाला नहीं होता किसी को भी। तो उन्होंने हमें शौक की दावत दी है भाई, उन्होंने कोई हमें कोई तलवार या कोई हमें कोई उन्होंने कोई और चीज़ मारने दी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम उसका उनको मस्बत जवाब देंगे प्यार मोहब्बत के साथ। अगर बाबा सिकंदर पार्टी अच्छाई की तरफ शौक को लेकर जाएगी, तो कल को हमारी जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो ये कहेगी यार कोई ना कोई बंदा ऐसा शौक के अंदर आया था, ठीक है, जो इसको एक नई राह दे गया। अभी मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब देखता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बहुत दुनिया जोक दर जोक हमारी पार्टी पे इतबार कर कर हमारी पार्टी में जोक दर जोक आ रही है, ठीक है। न्यू कमरों की फेवरेट पार्टी है हमारी पार्टी। तो जब आपका सरबराह पार्टी ही लोगों के साथ गाली गलौज पे आ जाएगा, बदतमीजी पर आ जाएगा, तो मैंने आपको क्या सबक दिया। इलामा तारुल कादरी साहब का एक
क्लिप है, मैंने वो अभी कई दफ़ा चला चुका हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है। मैंने उसको रिकॉर्डिंग अपने पास उसकी रखी हुई है कि किसी एक का शागिर्द या किसी एक का मुरीद दूसरे के शागिर्द या जोन सा है अपना दूसरे के उस्ताद को गाली देता है तो हलाकत है कि जो हमने आपको वो इल्म सिखाया या हमने ये आपको सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि आप लोगों के उस्तादों की बदतमीजी इज्जत नहीं करो, उनके साथ बदतमीजी पे पेश आ जाओ। लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, ना कि कोई इंसान। किसी की हाथ बस में नहीं है किसी को इज्जत और जिल्लत देना, अगर मेरा रब ना चाहे तो। ये सारे मामला तो ऊपर से हैं, रब ने इज्जत देनी है। मैं तो खुश होता हूँ, देखता हूँ जब मेरा खून बढ़ता है कि बड़े बड़े अच्छे उस्ताद, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर कबूतरबाजी की बातें लोगों को बता रहे होते हैं, रास्ता दिखा रहे होते हैं। तो हम भी ये कह सकते हैं कि इस दरिया के अंदर या इस समुंदर के अंदर हमने भी एक जग या ग्लास या कप कह लो कि हमने भी पानी का डाला, कोशिश की है, कोशिश की है। तो जब आपने मिशन अपना अच्छाई की तरफ पकड़ा है और मेरी पूरी पार्टी को इस चीज़ का फख्र है कि बाबा सिकंदर उनका सरबराह पार्टी है, मलिक मुबशर खोकर उनका सरबराह पार्टी है, रिंग लीडर है उनका, उनको अच्छा गाइड कर रहा है, सही तरीके से शौक को बता रहा है, करवा रहा है, दलेर प्लेयर है, दलेरी से शौक लगा रहा है। तो लोगों को ये चाहिए कि ना कि दूसरे की लाते खींचें, बल्कि अपने आप को बेहतर करें, अपने शौक को बेहतर करें, उससे उनकी तरबियत का आपको अंदाज़ा होगा बहुत अच्छा कि वो लोग की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। कभी भी किसी को कोई बंदा बात करता है ना, तो वो उसके सीधा लोग उसके वालदैन पे उंगलियां उठाते हैं कि इसकी वालदैन ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपने वालदैन के लिए कोई भी बात करवाए, कोई भी वक्त का बादशाह है, कोई भी वक्त का कोई भी बंदा है, ठीक है, उसके जितने साथी होते हैं उससे उसके 10 गुना ज़्यादा मुखालफ भी होते हैं। मुनाफिक आदमी के मुखालफ नहीं होते, सच्चे आदमी के मौला ली फरमाते हैं दुश्मन बहुत होंगे, क्योंकि उसने बोलना ही सच है। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ये ही करने के लिए कहा है कि कोई भी पोस्ट किसी भी ग्रुप में लग रही है, कोई भी बंदा किसी के साथ जो भी बात कर रहा है, ठीक है, मैंने अभी 2-3 दफ़ा उस्ताद अब्दुल्ला हातम साहब को फ़ोन किया है, कॉल की है, उन्होंने अटेंड नहीं की। जैसे ही मेरी उनके साथ कोई बातचीत होगी इंशाल्लाह मैं जो था उनके साथ शौक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अलायन की उन्होंने बात की है तो इंशाल्लाह अलायन से वो उनके भी शागिर्द हैं उधर, वहाँ से वो हमें छत देंगे, इंशाल्लाह हमारा शौक होगा और बड़े अच्छे माहौल में शौक होगा। ये ऐसे गाली गलोच करके लड़ाई झगड़ा करके शौक नहीं होगा, क्योंकि यूएई के अंदर थोड़ा सा मसला आ जाता है। यहाँ पे शारजा दुबई वाले जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारा लाहौर है ना, लाहौर का और बाहर के मौसमों का बहुत फ़र्क आ जाता है। टेम्परेचर की कोई इतनी बात नहीं होती, मौसम का काफ़ी इसमें ऊंच नीच आ जाती है। तो वो तकरीबन इधर से जिस जगह पे हमारी छत है अलाइन में जदून वाली, वो तकरीबन इधर से 1.5 घंटे की ड्राइव है, और ड्राइव भी कंटिन्यू जो होती है 120 की रफ्तार से 1.5 घंटे की
की जगह है, तकरीबन 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला है, जहाँ से वो कहते हैं कि शारजा से हम पे बाजी लगाओ। जबकि यहाँ से रासुल खैमा का, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ शारजा का, मैक्सिमम मैक्सिमम 45 मिनट का रास्ता है। 45 मिनट के रास्ते को इस एरिया वाले लोग बोलते हैं कि वो ठंडा है, और जहाँ पे 1.25 घंटे का फर्क है वहां पर बोलते हैं मौसम सेम है। तो मैं उनके साथ एक, उनको सिर्फ पोस्ट मैसेज उनको ये करना है, क्योंकि वो फोन वगैरह नहीं अटेंड कर रहे, जब वो करेंगे इंशाल्लाह तो उनकी, जब तक उनके लिए पोस्ट भी बना दी जाएगी कि हम उनके साथ शो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, तो आप लोग ये जो समझ रहे थे कोई भी बात, तो मेहरबानी करके बिला वजह ना तो किसी को कोई गाली बक्का करो। आप अगर जो मेरे से इख्तलाफ राय रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल हक है उनका, जो मर्जी वो कहें, लेकिन यार थोड़ा सिर्फ इतना ख्याल कर लिया करें थोड़ा सा, कि यार मेरे चाहने वाले भी हैं। अगर आप लोग गालियां बकोगे तो मेरे चाहने वाले, अगर मैं जितना मर्जी भी उनको रोकूं, वो भी आपको गालियां बकेंगे। तो यार ये इसीलिए ये शौक हमारा ख़राब हुआ पहले भी, और भी ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएगा। क्यों करते हो यार ऐसा काम? इख्तलाफात राय रखो, पूरी रखो, मैं भी रखता हूँ, मैं भी बहुत उस्तादों से रखता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि यार मैं उनको गालियाँ बकने शुरू कर दूँ, उल्टा सीधा उनको कहना शुरू कर दूँ। इख्तलाफ राय हर किसी का हक है, कर सकता है, लेकिन यार इस तरह ना करो कि उससे किसी के भी किरदार के ऊपर कोई आ जाए। मेरा कसूर ये है कि मेरे पास जो छोटा मोटा इल्म है कि मैं लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं कि जी फेसबुक पे बैठ के या व्हाट्सएप के अंदर बैठ के कबूतरबाजी लोगों को बता रहा होता, कर रहा होता है, तो यार आप लोग मदानी हो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग क्यों नहीं बताते हो? आप भी बता दिया करो, मैंने तो नहीं कभी किसी को रोका या मैंने तो नहीं मना किया। ये जो मेरी इज्जत है या मेरी पार्टी की इज्जत है, ये तो अल्लाह दे रहा है। बल्कि जितना आप लोग हसद करोगे, अल्लाह ताला हमें और उतना नवाजता जाएगा। जान खान साहब, आप इनबॉक्स मैसेज कर देना, यार मैंने तो कभी किसी को नहीं मना किया शिगिर्द बनाने से या करने से, हमारा कौन सा कोई, हमारा ये सिर्फ शौक है, एक मशगल है। तो लोगों को सिखाओ भी, ठीक है जी, सबकी रहनुमाई भी करो, उस पर भी लोग यार गालियां बकते हैं, वो उल्टा सीधा कहते हैं। इसी वजह से हमारे शौक के अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे लोग इस शौक से दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, कि यार यहाँ पर पता नहीं लोग क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, क्यों अपना दूसरे की हमेशा पगड़ी उछालने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये हर बंदे तक पहुँचे, हर बंदे को इसका जो सा है पता चल जाए। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को शौक भी करवाऊंगा, अच्छी छतों के ऊपर कबूतर भी दिखाऊंगा, और जो लोग उनके मालिकों ने जिस तरह वो कबूतर उड़ाए होंगे, ठीक है जी, अगर वो खुले जोड़ के होंगे, बंद जोड़ के होंगे, नरम होंगे, सख्त होंगे, सख्त परों के होंगे, नरम परों के होंगे, जो मालिक बात बताएगा वही आपको बताऊंगा। तो आपसे सबसे दोस्तों भाइयों से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी वो कोई पोस्ट है ना, तो उसको आप इग्नोर करो। कभी देखा है
हाथी को कुत्तों के साथ लड़ते हुए कभी देखा है? सिर्फ मिसाल बता रहा हूँ, एक जानवर की मिसाल बता रहा हूँ। हाथी ने अपना एक ट्रेंड सेट किया होता, हाथी ने अपना रास्ता पकड़ा होता, वो जा रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो मर्जी, फिर उसको जो मर्जी कहता रहे, बोलता रहे, उसके ऊपर चीखता रहे, वो देखता भी नहीं। और हमेशा आप याद रखना कि जिस दरख्त का फल मीठा होगा ना, पत्थर सबसे ज्यादा उसी के घर में जाएंगे। तो जो भी बंदा कबूतरबाजी को लोगों के अंदर आम करेगा ना, ठीक है ना, उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लोग उसको बातें करना नहीं उसके पीछे छोड़ेंगे। तो मैं उनमें से एक ही हूं, मेरी तो कोशिश यही है कि मैं आप लोगों का भला कर जाऊं। बाकी अल्लाह आपका सबका हामी नासर हो। फिर जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बंदा अगर तो मेरे से प्यार करता है तो किसी भी उस्ताद की इज्जत जरूर देखना, उसकी एक इज्जत होती है, बदतमीजी ना करना किसी के साथ, वो कोई भी हो, उसको खुद शर्म आएगी, वो खुद ही शर्मा जाएगा कि यार ये बंदा आमिर के लिए क्या कह रहे हैं और ये हमारे लिए क्या कह रहे हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।